दोस्तों सब्सक्राइब करो सेवन स्टार टेक को और साथ में इस घंटी बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का सेवन स्टार टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि जो आपकी कॉपी चेक हो रही है वो स्ट्रिक्ट चेक होगी या फिर लीनेट चेकिंग होगी। पहले अगर बात करें इसकी आपकी चेकिंग अभी कैसे होने वाली है, वहां पर आपको लीनेट चेकिंग मिलेगी या नहीं, क्योंकि इस साल बहुत सारे कुछ पेपर जो है वो काफी कठिन आए थे तो उसमें आपको आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारी चीजें आ गई थी। तो इसलिए ऐसा कुछ अखबार वालों का कहना है कि आपको शायद लीनियंट चेकिंग इस बार देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको इस टाइप के कोई भी डाउट्स हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। और अगर आपने अभी तक मेरे को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो क्या कर रहे हो, फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, जाके वहाँ पर मेरे को फॉलो कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पर मिलते रहे। मैं आपकी वहाँ पर हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लो, वो बिल्कुल फ्री है। तो अब बात करें अगर आपकी चेकिंग आपकी लीनियंट होगी या स्ट्रिक होगी, कैसी चेकिंग होने वाली है, हार्ड होगी चेकिंग या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ कि किसी भी पर्सन के लिए ऐसा कह पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि कौन कैसे चेक करने वाला है ये कोई नहीं जानता दोस्तों। और जो सीबीएसई की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसका एक पूरा प्रोसीजर है और वो जो चेकिंग है वो उसी हिसाब से होती है, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने पहले से ही मार्किंग स्कीम बनाई होती है तो वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही टीचर्स आपकी कॉपियां चेक करते हैं। हाँ, अब उसमें अगर मान लीजिए कुछ ऐसी बीच में हो जाता है, जैसा फिजिक्स के पेपर में सुनने को मिला था, पेपर काफी लेंथी बना दिया था तो इस वजह से उसमें शायद आपको जो लीनियंट चेकिंग है वो देखने को मिल सकती है। पर यहां पर ग्रेस मार्क्स के बारे में मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। और अगर मैं बताऊं लीनियंट चेकिंग के लिए तो यहां पर शायद अगर आपने मार्किंग स्कीम के हिसाब से कई बार आपने जो अपना आंसर है आंसर शीट में जो रिप्रेजेंट कर दिया अपना आंसर, कुछ इस स्टाइल में हो सकता है कि जो आपने मार्किंग स्कीम जो उस टीचर को मिली है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा उससे मिलता हो तो वहां पर आपको काफी अच्छे मार्क्स वो मिल सकते हैं, तो आपके लिए तो वो लीनियंट चेकिंग हो गई। पर आपने क्या पता उसी आंसर को काफी घुमा फिरा के या फिर अपने स्टाइल में या फिर बहुत ही लेंथी वे में लिख दिया है जो कि उसको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया, तो वहां पर आपने उसने आपको कम मार्क्स दिए तो आपके लिए वो स्ट्रिक्ट चेकिंग हो गई। बस यही होता है। अब ये डिपेंड करता है कि किसको कौन सा टीचर मिल जाए, उस टीचर का दिमाग उस समय कैसा है, क्या पता वो चेकिंग कर करके बोर हो चुका हो तो तब भी वो अच्छे से चेक नहीं करता है, और क्या पता उसको आपका राइटिंग समझ में ना आए या फिर बहुत सारे कारणों से यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। पर ये चीज़ सब पे अप्लाई होगी ये चीज़ तो गारंटीड कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि सबको सब एक ही तरीके से चेकिंग हो जाए ऐसा तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर कई बार आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं वो आपकी किस्मत होती है, और कई बार आपको सेम चीज़ लिखने पे भी मार्क्स नहीं मिलते हैं तो वो कई बार लगता है कि टीचर ने शायद ढंग से पढ़ा नहीं। पर इस साल वैसे 0% इवैल्यूएशन एरर की सीबीएसई की तरफ से बोला जा रहा है, तो आपको इस साल आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि आपकी चेकिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से होने वाली है, तो आप उसको लीलैंड भी कह सकते हैं। क्यों यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको जब आपका पूरा आंसर एक बार अगर पढ़ता है टीचर तो वो वहाँ पर बिल्कुल कोशिश करता है यार, क्योंकि उसकी आपके साथ पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, वो आपको ना तो जानता है कि ये बंदा पढ़ने में कैसा है या फिर आपको पर्सनली जानता हो कि ये बंदा नेचर का अच्छा नहीं है तो वो आपको फेल करे, तो वहाँ पर उसकी आपके पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है ना ही वो आपको जानता है, तो वो हर बच्चे को पास करना चाहते हैं और हर बच्चे को कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने की। अच्छे से आंसर लिखा हुआ है तो बिल्कुल वो कोशिश करेगा आपको मार्क्स देने की और आपकी कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वो दे दे, ऐसा उसकी तरफ से बिल्कुल कोशिश रहेगी। पर वो अब आपके ऊपर है कि आपने आंसर में कैसा लिखा था, वो आपकी चेकिंग हो जाएगी उस हिसाब से। पर यहाँ पर लीलैंड और स्ट्रिक में कन्फर्म कह पाना किसी के लिए भी नामुमकिन ही है ये, तो इसलिए बस ये चीज़ डिपेंड करता है अलग अलग कॉपीज़ पे, अलग अलग राइटिंग पे, अलग अलग बच्चों पे, अलग अलग सेंटर्स पे, टीचर्स पे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनके हिसाब से आप कह सकते हैं कि लीलैंड चेकिंग होगी या स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी ने अपनी कॉपी को खूब भरा होगा और बहुत ही अच्छे से आंसर्स को रिप्रेजेंट करा होगा ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग ले पाएं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना और जितना ज़्यादा हो सके उतना अपना पेपर को अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। तो आपने शायद करा होगा और अगर आपने सही में करा होगा तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा दिखेगा आपके जब रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने तक आप लोग शांत रहिए और अभी इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए और आगे फोकस करिए। मैंने बहुत सारी करियर ऑप्शंस पे वीडियोस बना दी हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं। इस क्विज में पार्टिसिपेट करके दोस्तों आप 500 रुपये तक का कैश प्राइज भी जीत सकते हैं, तो इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इसी बात पे एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको अपने दोस्तों में ताकि उन्हें भी समझ में आए कि हाँ कॉपी चेकिंग का प्रोसीजर होता क्या है मेनली और वो कैसे कॉपी चेक होती है, तो आपको कैसे कैसे मार्क्स मिलने वाले हैं, तो इसको जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो वहाँ पर जाके फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।